हेलो व्यूअर्स, संगीता किचन से मैं आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शाम का नाश्ता पोहा स्टाइल में। इसके लिए हमको चाहिए एक कटोरी पोहा, आधा कटोरी रोस्टेड पीनट्स और आधा कटोरी कटे हुए प्याज और आलू, थोड़ा प्याज और आलू। आलू को काट कर मैंने इसे छील कर और पोहा के लेंथ में ही इसको काटा है, और कड़ी पत्ता, लाल मिर्च, नारियल, नींबू और फ्राई किए हुए पापड़, कड़ी पत्ता, राई, ये पोहा को बस ज़्यादा नहीं इसको फुलाना है, बस इसको चलनी में डाल करके और नल के नीचे रख देना है, बस उसको हटा लेना है और ये भीग जाएगा तो फिर ये तैयार है कुकिंग के लिए। चलिए व्यूअर्स, कुकिंग के लिए अब हम लोग रेडी हैं। ये मैंने थोड़ा सा तेल डाला है बड़े चम्मच, और उसी में मैंने पापड़ को फ्राई किया है, और रेस्ट जो तेल बचा है उसमें लाल मिर्च डालेंगे, उसको थोड़ा लाल होने देते हैं, फिर प्याज, आप कड़ी पत्ता डालिए, राई डालिए। राई आप अपनी इच्छा अनुसार भी हो, आप पहले भी डाल सकते हैं और बाद में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये तेज आंच पर बनता है इसलिए राई चटक जाता है, अपना फ्लेवर पूरी तरह से दे देता है। उसके बाद बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए प्याज को, उसके बाद आलू डालेंगे। कड़ी पत्ता, राई, प्याज, आलू, फ्लेम को कम करेंगे। अभी फ्लेम, जब आलू डालने के बाद थोड़ा सा पानी सूख जाए तब फ्लेम कम करेंगे, इसके पहले फ्लेम हाई रहेगा। इसे पकने देते हैं। आंच को धीमा करके इसे ढककर थोड़ी देर के लिए नरम होने तक पकाएंगे। ये धीमी आंच पर पक रहा है, इसमें नमक डालेंगे, नमक अंदाज के अनुसार डालेंगे। आलू को इस तरह थोड़ा सा मैश करेंगे ताकि ये पूरी तरह पक जाए। अब इसमें पोहा डालेंगे, आप इसमें गोभी डाल सकते हैं व्यूअर्स, मटर डाल सकते हैं, जो आपकी इच्छा। मैंने इसमें पापड़ डाला है कुछ डिफरेंट स्टाइल देने के लिए। अब फ्लेम को हाई करना है। अब इसमें
आपको कटे हुए बादाम। थोड़ा सा हल्दी कलर के लिए, बस कलर के लिए। अब इसमें पापड़ क्रश करके मैं डालूंगी। मैं पापड़ सभी पापड़ को महीन टुकड़े में नहीं करूंगी, ताकि दिखना चाहिए इसमें पापड़ भी है और उसका क्रंचीपन हमको मिलना चाहिए खाने में। थोड़ा सा नींबू का रस, बस व्यूअर्स झटपट ये डिफरेंट स्टाइल में पोहा तैयार है। 5 मिनट में आपका पोहा, 5 से 10 मिनट में पोहा तैयार है। उसके बाद व्यूअर्स एज यू लाइक, आप इसमें सूखे हुए नारियल डालिए, कच्चे नारियल को लंबे लंबे टुकड़े में काट के डालिए, और अगर आपके पास नहीं है तो सूखे हुए नारियल को इस साइज में काट करके नारियल डालिए। ये तैयार है व्यूअर्स, शाम के नाश्ते के लिए आपका झटपट पोहा तैयार है। आप इसे खाइए और दोस्तों को खिलाइए और इंजॉय कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि मैं नेक्स्ट आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आ सकूं। पोहा का आनंद लीजिए। थैंक यू।